सो हे गाइस, कैसे हैं? स्वागत आपका जेजी फोर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी M55S स्मार्टफोन इस ब्लैक कलर में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका गेमिंग रिव्यू। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इसके अनबॉक्सिंग पे कि गेमिंग रिव्यू लाओ इसका, क्या ये हीट होता है या फिर नहीं। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया भाई, क्या इसमें हीटिंग है M55 की तरह या फिर नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये रीब्रांड है जस्ट एक M55 का। तो देख लेते हैं वो भी कि कैसा है सब कुछ। गेमिंग करेंगे, एक घंटे गेमिंग करेंगे, BGMI डाउनलोड कर ली है तो एक घंटे गेमिंग कर लेंगे जिसमें अलग अलग मोड्स ट्राई करेंगे, ग्राफिक्स देखेंगे कितने सपोर्ट करता है, ये 7 Gen 1 मिलता है इसमें और बैटरी ड्रॉप हमें कितना देखने को मिलता है, तो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो जरूर से लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड फिलहाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 36% हमारी बैटरी है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले BGMI को। तो स्टार्ट करेंगे अब गेम को एंड यहाँ पे लोड कर लेंगे इसे। सो गाइज यहाँ पे हमारी गेम लोड हो चुकी है अच्छे से एंड ग्राफिक्स दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले कि इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 जो प्रोसेसर है वो कितने ग्राफिक्स को सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हम चले और स्मूथ में आप देख सकते हैं एक्सट्रीम तक सपोर्ट कर रहा है, यानी कि 60 FPS तक सपोर्ट कर रहा है। बैलेंस में जाके अल्ट्रा है और HD में जाएंगे तो भी अल्ट्रा है, HDR में जाएंगे तो भी अल्ट्रा ही है और उसके बाद अल्ट्रा HDR ऑप्शन अनलॉक नहीं है। सो हम खेलने वाले फिलहाल स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में और प्रोसेसर थोड़ा पुराना है भाई, बट देख लेते हैं अगर 20,000 रुपये में सैमसंग का फोन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो भाई डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट फोन हो सकता है सैमसंग की तरफ से Under 20,000। सो यहाँ पे हम एरेंगल मैप को सेट कर लिया और गेम को स्टार्ट करेंगे। बैटरी परसेंटेज आपको दिखाई दी थी 36 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टार्ट करेंगे दोनों को, फर्स्ट मैच को भी और टाइमर को भी। तो 1, 2, 3 एंड स्टार्ट कर दिया हमने मैच और टाइमर दोनों को एक साथ ही। अब इसके स्पोन आइलैंड पे जाके देखते हैं कैसा चल रहा है गेमिंग इसका। सो यहाँ पे गाइज हम आ चुके हैं इसके स्पोन आइलैंड पे और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स पे चल रही है गेम हमारी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है अभी तक तो, और स्मूथनेस काफ़ी अच्छी लग रही है जैसा कि हमें देखने को मिलती है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में। बट अभी तो शुरुआत ही करी है और आगे आगे देखेंगे कि कितना ज़्यादा कैसे चलती है गेम। फिलहाल हम मैच में एंट्री ले लेते हैं एंड देन बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे तरीके से चल रही है गेम और कैसे नहीं। तो गाइज हमने जो है लैंड कर लिया है यहाँ पे मिल्टा एंड यहाँ पे हम लूट कर लेते थोड़ी, क्योंकि हमारे एनिमीज भी आ गए हैं भाई और मेरे घर में ही घुस गए हैं, ये तो गलत काम हो गया भाई। सो गाइज यहाँ पे गेम अभी के लिए ना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है और कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है अभी तो, कोई भी छोटा मोटा लैग भी नहीं देखने को मिला अभी तक। तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पे आप इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं कि उसमें आपको लैग वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, थोड़ा हैंडल करके रखता है वो। बाकी देख लेते हैं अब इसको थोड़ा सा और खेलते हैं। एक बार मैं 15 मिनट्स तक गेम को खेलता हूँ एंड 15 मिनट्स तक आप थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, देन इसके बारे में बात करेंगे कितनी ज़्यादा बैटरी ड्रॉप करता है और हीटिंग कितनी ज़्यादा बढ़ती दिखती है हमें या फिर नहीं, और यहाँ पे और सारी चीज़ें कैसी रहती है परफॉर्मेंस वगैरह, तो सारी चीज़ें बता दो। 15 मिनट्स तक आप थोड़ा सा गेम प्ले एंजॉय करिए, देन बात करता हूँ इसके बारे में। सो गाइज यहाँ पे जो है हमारी 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए गेम को खेलते हुए एंड थोड़े से स्टैट्स बता देता हूँ आपको एक साइड लगा के इसे। और यहाँ पे जो है हमारी सबसे पहले बैटरी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे 30% बैटरी हो चुकी है, मतलब 6% का इसने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है 15 मिनट की गेमिंग में, जो कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, मतलब देखते हैं। बाकी 5000 mAh की बैटरी है, थोड़ा सा और देखते हैं क्योंकि कई फोन्स में क्या होता है कि बाद में कम हो जाता है बैटरी ड्रेन करना, स्टार्टिंग में एकदम से जब स्टार्ट करते हैं ना गेम को तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता है, बट इसका भी देख लेते हैं एक बार बाद में।
लेकिन हीटिंग की बात करें, यहाँ पे जो हीटिंग है ना वो थोड़ी सी वार्म हो चुकी है, स्क्रीन भी एंड बैक साइड भी। तो यहाँ पे इस साइड में जो है हो चुकी है वार्मनेस सी, एंड स्क्रीन पे भी इस साइड में हो चुकी है वार्मनेस। तो भाई अब देख लेते हैं कि कितनी ज़्यादा ओवर हीट करता है या नहीं। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस चल रही है बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ। तो यहाँ पे गेमिंग करते हुए मुझे सिंगल स्टटर या लैग कुछ भी देखने को नहीं मिला अभी तक भी, छोटे मोटे लैग जो होते हैं वो भी नहीं मिला है। सो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि गेमिंग को हैंडल अच्छे से कर रहा है। ऑल तो यहाँ पे मुझे कोई गेम मोड देखने को नहीं मिला है इस वाले फ़ोन में, जिसमें कि हम इसके FPS चेक कर पाते या फिर वहाँ पे इसका टेम्परेचर दिखाता है हार्डवेयर का, तो वो सब चीज़ें तो नहीं दिखी मुझे। लेकिन बाकी सब चीज़ें जैसे सही चल रही है। तो गेम वगैरह जो परफॉर्मेंस की बात है ना वो तो कमाल है, बाकी हीटिंग का देख लेते हैं क्योंकि ये साइड जो है थोड़ी सी ज़्यादा वार्म हो चुकी है अभी से। एंड जो बैटरी है वो आपके सामने है, 6% ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। बाकी इसकी आधे घंटे की गेम कंप्लीट करता हूँ भाई मैं, इसकी आधे घंटे कंप्लीट करते फिनिश, देन हम मोड को भी चेंज करेंगे। मोड में हम खेलने वाले इसके बाद में अरेना मोड में गन गेम वगैरह दिखेंगे, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा रश फायर होती है, तो ज़्यादा पता चलेगा हमें इसके बारे में कितना ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है आपकी गेमिंग को। सो गाइज यहाँ पे जो है मेरी 30 मिनट्स भी कंप्लीट हो गई है इस गेम को खेलते हुए। एंड अब एक बार स्टैट्स दिखाऊँ अगर आपको, तो वो देख लेते हैं। बैटरी जो है दोस्तों यहाँ पे 24% हो चुकी है, यानी कि टोटल आधे घंटे में इसने 12% का ड्रॉप ले लिया है, हर 15 मिनट में 6% का ड्रॉप। तो वही सीन देखने को मिल रहा है अभी भी, तो हल्का सा मुझे ज़्यादा लग रहा है नॉर्मल से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कैसी परफॉर्मेंस रही। तो परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा तगड़ी रही भाई, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे, ज़रा भी मुझे एक सिंगल छोटा सा लैग भी देखने को नहीं मिला। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, ये सस्टेन्ड परफॉर्मेंस आपको दे रहा है। लेकिन उसके अलावा आप हीटिंग की बात करें, तो भाई हीट थोड़ा सा डिवाइस हो चुका है बैक साइड से भी एंड स्क्रीन साइड से इधर से, तो हीट थोड़ा सा तो हो चुका है। बट ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फिंगर्स पे से स्वेटिंग हो रही है या फिर कुछ, लेकिन हाँ हीटिंग आपको फील तो हो रही है अभी से। तो आधे घंटे के बाद ये थोड़ा सा हीट हुआ है, बट अब देखने वाली बात ये है कि अगर हम इसको एक्सट्रीम एक घंटा कर लेते हैं गेमिंग, तो जब क्या हालत होती है, क्या हीटिंग हमें और बढ़ती हुई दिखती है या फिर इतनी ही रहती है या फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, तो देखने वाली बात यही रहेगी। लेकिन उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे कोई इशू नहीं आया भाई, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो यही सीन चल रहा है। और उसके अलावा भाई ये वाला मोड मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, देन हमें स्टार्ट करना है इसका अरेना गन गेम मोड, ताकि रश फायर में भी ज़्यादा जहाँ पे होती है वहाँ पे भी हमें पता चले कि ये सस्टेन परफॉर्मेंस आपको दे पाता है या फिर नहीं। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो मैच है ना वो कंप्लीट तो हो नहीं रहा भाई, बंदे मिल नहीं रहे, जो मिलता है वो या तो टीममेट्स मार देते हैं या फिर कुछ हो जाता है। तो अब ऐसा करते हैं मैं इसको अपने प्लेयर को खुद ही उड़ा देता हूँ कहीं पे, एंड एग्जिट करके चलते हैं हम, क्योंकि हमें दूसरे मोड्स भी ट्राई करने हैं भाई। तो वही सीन है कि वो देख लेते हैं कि कैसे रहते हैं सब कुछ। तो एक बार इसे बंद करते हैं एंड देन दूसरे मोड को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अरेना ट्रेनिंग को। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है अरेना ट्रेनिंग में गन गेम सिलेक्ट कर लिया एंड इसको स्टार्ट कर दिया है, और 40 मिनट हो चुके हैं, यानी कि लास्ट की 20 मिनट्स बची है जिसमें हम यही खेलने वाले हैं और इसमें देखने वाले कि कैसा रहता है सब कुछ। बिकॉज भाई स्टैट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़े इसके फेवर में है, थोड़े इसके फेवर में नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में बताऊँगा कि कैसा रहेगा ये फ़ोन आपके लिए गेमिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने जो है एंट्री ले ली है इसमें, और हमारा जो मैच है वो स्टार्ट होने ही वाला है। एंड अब देख लेते हैं भाई इसमें हमारा कैसा रिस्पॉन्स रहता है इस फोन का इस लाइब्रेरी मोड को खेलने में। सो चलते हैं अब एंड बंदों को देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आ गया एक, और भाई मार दिया हमने लेजेंड को मार दिया हमने। इसके अलावा दूसरा देख लेते कोई और, दो मार दिए भाई, तीन मार दिए, तीन किल हो चुके हैं बड़ी आसानी से भाई। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा स्मूथ चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब लैग तो नहीं आया जिसकी वजह से मैं उसको मार पाया। और यहाँ से चौथा बंदा मुझे रगड़ गया। तो भाई अब एक बार थोड़ा सा आप इसका गेम प्ले देखिए, मैं एक बार इसके बारे में बात करूँगा बाद में, लेकिन भाई मज़ा बहुत आ रहा है इसको खेलने में अभी से ही। सो देख लेते कैसा रहता सब कुछ।
सो गाइज यहाँ पे जो है हमारी 45 मिनट्स हो गए कंप्लीट इसको, एंड एक बार आपको सोचा कि स्टैट्स दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे बैटरी जो है वो 18% हो चुकी है भाई, अब अगेन 6% का ड्रॉप, यानी कि अभी तक ये 45 मिनट्स के अंदर कंसिस्टेंट ड्रॉप लेता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे अभी तक इसने 6x3 18% का ड्रॉप ले लिया है, जो कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे 5000 mAh के हिसाब से बैटरी का। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पे मुझे दिक्कत देखने को नहीं मिली, और वॉल्यूम हमारी फुल थी भाई, फुल वॉल्यूम पे हम चला रहे थे, और जब आप नॉर्मली खेलेंगे तो उसमें थोड़ी सी कम रहेगी वॉल्यूम, बिकॉज ईयरफोन्स लगा के खेलोगे, सो इसका भी फर्क होता है। दूसरा, यहाँ पे हीटिंग तो हो रही है, डिवाइस में हीटिंग हो रही है भाई, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं हो रही, स्क्रीन पे इस साइड भी हो रही है और बैक साइड में इस साइड में हो रही है, बट उसकी वजह से इतनी नहीं है कि आपकी फिंगर्स स्वेटिंग करने लगे या फिर कुछ, खेल सकते हो स्क्रीन पे अच्छे से फ़ोन को, मतलब गेम को अच्छे से खेल सकते हो इस पे, लेकिन हीटिंग आपको फील होने लग जाती है 30 मिनट्स के बाद ही। लेकिन उसके अलावा भाई यहाँ पे गेमिंग के परफॉर्मेंस में कोई इसने कमी नहीं आने दी है, वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। तो बैटरी ड्रेन तो आपको पता ही चल गया, बाकी हम देख लेते हैं इसकी लास्ट फाइनल 14 मिनट्स जो बची है वो कंप्लीट करता हूँ मैं, देन इसके बारे में कंप्लीट बताता हूँ लास्ट में कि कैसा रहा पूरी गेमिंग के दौरान इसका गेम प्ले। सो गाइज यहाँ पे हमारा 1 आवर फाइनली कंप्लीट हो चुका है इस गेम को खेलते हुए, एंड अब बात कर लेते हैं आपसे इसके कंप्लीट स्टैट्स की। यहाँ पे हम करेंगे गेम को मिनिमाइज, एंड अब बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले बैटरी दिखाऊँ आपको, तो 12% बची है, मतलब कि भाई 36 पे हमने ये गेमिंग टेस्ट स्टार्ट करा था, 12 बची है, हर 15 मिनट में इसने 6% का ड्रॉप लिया, यानी कि टोटल इसने 24% बैटरी का ड्रॉप लिया है हमारी गेमिंग टेस्ट के दौरान, जो कि 1 घंटे का करा हमने। वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम था, बीच में मैंने कम कर लिया था 80% के, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी बैटरी ड्रेन आपको बता दिया मैंने, हल्का सा ज़्यादा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे फ़ोन्स मैंने टेस्ट करे 5000 mAh की बैटरी के साथ, उनमें मैक्सिमम 18-20% बैटरी ड्रॉप गया, और किसी किसी का तो इतना ज्यादा तगड़ा बैटरी बैकअप होता था कि उसमें 16% भी जाता था, जैसे कि IQ और Vivo, बट इस फोन में हल्का सा ज्यादा है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब क्या परफॉर्मेंस इसने डिलीवर करी है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हीटिंग करने के बावजूद हल्का सा भी लैग मुझे नहीं नोटिस कराएगा गेम में, नोटिस नहीं हुआ कोई भी सिंगल स्टटर लैग नहीं नोटिस हुआ है, छोटा सा कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं आई मुझे गेमिंग करते हुए, पूरी दौरान गेमिंग में काफी ज्यादा बढ़िया चला, और स्मूथनेस बहुत ज्यादा लगती है भाई खेलने में, काफी ज्यादा अच्छी चलती है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में, हमने पूरा गेम खेला है, एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट रहे हैं ग्राफिक्स, यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई है। बस जो आपका कंसर्न था ना कि हीट करता है या फिर नहीं, तो भाई हीट तो देखो कर रहा है डिवाइस, यहाँ पे बैक साइड में भी थोड़ी सी बढ़ गई है, एंड स्क्रीन पे इस साइड पे थोड़ी सी बढ़ गई है हीटिंग, तो आपको फील तो होगी हीटिंग, बट अगर आप हीटिंग को साइड रख के अगर गेमिंग की तरफ से देखें ना, तो डिवाइस काफी ज्यादा अच्छा है गेमिंग के मामले में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम अगर आपको 1 घंटा मैक्सिमम खेलना है ना दिन में, गेम करनी है, तो आप ले सकते हैं डिवाइस, गेमिंग में आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली काफी ज्यादा स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है या फिर प्रोफेशनल गेमिंग करनी है 2-3 घंटे की, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज बैटरी ज्यादा खाएगा, एंड उसके अलावा यहाँ पे हीटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो वो सीन है। बाकी भाई सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कर सकते हैं ये इस चीज को थोड़ी सी हैंडल, थोड़ी सी फिक्स, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं था इसमें, परफॉर्मेंस आपने देखा ये पूरी गेमिंग के दौरान काफी अच्छे से इसने हैंडल करी है BGMI को 1 घंटे तक काफी बढ़िया तरीके से। सो सैमसंग का ये M55S अंडर 20,000 अगर आपको फोन लेना है ये, तो गेमिंग के दौरान नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिली, परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगी, बस यहाँ पे बैटरी और हीटिंग का कंसर्न देखते हुए मैंने आपको बताया ये चीज। बाकी तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और कैमरा रिव्यू इसका जल्दी लेके आऊंगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो जरूर से, एंड काफी मेहनत लगती है भाई वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, काफी इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आपके लिए आता रहता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको इसका ये गेमिंग रिव्यू पसंद आया होगा, और यहाँ पे हमने मिनिमाइज करी तो किल भी नहीं हुई है बैकग्राउंड में, तो ये
चीज भी बढ़िया है। आप बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा M55S का गेमिंग रिव्यू, और क्या आप इससे सेटिस्फाइड है गेमिंग के मामले में, जैसे कि अपने वीडियो में देखा या फिर मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस, तो बताना कमेंट करके। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।